मुसलमान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलमे की दौलत दी है, वो मुसलमान इतना बेवकूफ़ किस तरह हो सकता है कलमे कलमा गो होने के बावजूद। दूसरी तरफ और अगर किसी से आप बात करते हैं तो अगर वो आपके जहन से सूटेबल नहीं करता तो कहते यार इसे ये बच्चा जहन है इससे बात ना करो, बेशक वो बहुत बड़ा भी हो। लेकिन दूसरी साइड पे इस्लाम जो जिसने हमें बच्चे रियल में जो बच्चे दिखाए हज़रत माज हज़रत माउस, वो उधर निकले हुए अबू जहल को कत्ल करने के लिए। सर मैं इसीलिए तो निज़ाम की बातें कर रहा हूँ, जब निज़ाम इस्लामी होगा तो बच्चा बच्चा इंटेलेक्चुअल हो जाएगा, बच्चा बच्चा ईमान की सतह के आसमान तक पहुँचा देगा। अगर इस निज़ाम इस्लामी नहीं होगा तो फिर आपको बूढ़े बूढ़े प्रोफेसर मिलेंगे जो बच्चों वाली जहालत करेंगे आपके सामने। निज़ाम इतनी बड़ी चीज़ होती है कि फातह हो जाए, मैंने इसलिए लड़की की मिसाल दी ना आपकी साइकोलॉजी ट्रिगर करने के लिए, कि अगर आप इस्लाम का निज़ाम नहीं है तो गैर मुस्लिम लड़की से शादी भी नहीं करने देते। ये सहाबा की बात भी कर रहा हूँ और आयमा कराम की बात भी कर रहा हूँ। शाफई ने खुद ही फतवा दिया, इसलिए बता रहा हूँ कि जिस मुल्क में मुसलमान फातह नहीं है उधर गैर मुस्लिम औरत से शादी नहीं कर सकते आप। सो छोटे छोटे सहाबा को फलसफा क्यों क्लियर था? क्योंकि निज़ाम के थ्रू हम यूरोप का फलसफे पे टाइम लगाएंगे सीखने में तो इस्लाम के फलसफे पे टाइम नहीं लगा सकेंगे आप। मैं क्यों सवाल सेशन का स्टार्ट सीरा की किताब से किया? किताब ना पढ़ना आपकी गलती इतनी बड़ी गलती नहीं है। किताब के बारे में इस किताब को सबसे ज़रूरी किताब ना समझना सबसे बड़ी गलती है। ये है मैं जिसे कह रहा हूँ इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर। आपको क्यों नहीं बताएगा कि सीरा के अलावा नहीं कुरान समझ आने वाला? अभी मजा ये हालात है, यूनिवर्सिटी का टूर है, अभी पता है नस्ट के कास्ट में गावे में गया और मैंने कहा सीरा पढ़े बगैर कुरान पढ़ लेना, ला हौला वला कुव्वता, इसलिए सूट वाले मौलवी को नहीं सुनते हम, आपने कुरान से ऊपर सीरा कर दिए। जैसे मतलब यमन का अरब कोई बात करे ना तो मैं समझ सकता हूँ, ये पाकिस्तानी इसको अरबी भी नहीं आती ये कह रहा कुरान से ऊपर सीरा कर दो। मैंने कहा पहले सीरा पढ़ लेना, ये कुरान की तैयारी करवा रहा हूँ, कुरान का दर्जा बढ़ाने के लिए बता रहा हूँ कि समझने की एक ही टेक्निक है और वो मेरा नबी है। सीरा नहीं पढ़ोगे तो कुरान पाक का एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट समझ ही नहीं आ सकता आपको। अब वो क्या बता सकते क्या वाक्य चल रहा था? सूरह तौबा सुनाता हूँ आपको, आप बताऊँ कौन कौन फिट होता है। सूरह तौबा पढ़ लें, बताएं क्या हो रहा था। सूरह हूद नबी इस्लाम ने कहा कि नबी इस्लाम कहते बाल सफेद हो, इतना प्रेशर है मेरे पे हूद का। लोगों ने देखा यार सुल्ला विजिबल डिफरेंस आ गया आपकी प्रोफाइल में। नबी इस्लाम ने कहा तुम्हें अगर पता चल जाए ना हूद का प्रेशर क्या है, आप सीरा पे बगैर कुरान समझ रहे। बच्चे के हकीके पे सूरह हूद पढ़ा था एक मौलवी ना, मैंने कहा बात सुनो सूरह तौबा सॉरी, मैंने कहा बात सुन तुम सूरह तौबा क्यों पढ़िए? कहता कुरान की हर कलमे में बरकत है ना सर, वो सब ठीक है। बच्चे के कीपे हुए तूने बरकत की आयतें तो सूरह तौबा ही खोलनी है तूने, तो बता तो समझ तो ले के कुरान पाक में और भी बड़ी जगहों पे आयात अल्लाह ताला ने तमाम इस मामले के ऊपर भी आयात आती थी, बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएशन कर सकता था तू, मगर नहीं तूने सूरह तौबा पढ़ ली बच्चे के कीपे हकीके पे। क्यों? क्योंकि वो तजवीदी क्लास में रटाया हुआ था ना कोई रुकू, तो यही होगा बच्चे के कीके में सूरह तौबा ही पढ़ेंगे मौलवी आके, फिर पाकिस्तान में यही होना है, सीरा नहीं पढ़ेंगे तो यही होगा। पाकिस्तान के टॉप कारी मदीना आई थिंक मस्जिद नबी पे नहीं हरम में गए, ये मैं गलती हो सकती है इन दोनों में से किसी एक मस्जिद में जमात के लिए उन्होंने कहा, क्योंकि रिनाउंड वायरल नाम था जमात कराएं, आई थिंक काबे में जमात हो रही ईशा की जमात थी, सूरह यूसुफ शुरू कर दी। कारी साहब भी पाकिस्तानी थे वायरल थे तो उन्होंने कहा जरा खींचूं जरा अलिफ को आठ आठ हरूफ तक खींचूं, बारह खींचे उन्होंने बड़े बड़ी अच्छी थी, रिक्कत आ गई पीछे। सूरह यूसुफ एक रुकू डेढ़ रुकू और फिर अल्लाह अकबर रुकू में गई, सूरह यूसुफ फिर दोबारा शुरू की दूसरा रुकू ख़त्म किया तीसरा रुकू फिर अल्लाह अकबर सलाम फेरा। पाकिस्तानी भाई ने पीछे मुड़ के जरा हल्का सा देखा कि कुछ समझ आई है कि किरात किधर तक, हम आप अपने आप को अरब कहते हैं ना, अजमी देखो किरात तो कहाँ तक ले गए, किरात तो वाकई में टॉप की थी उनकी, बड़ा आके गले मिले अरबी सारे, पीछे भी कुर्रा ही थे। तो उन्होंने बताया फिर पाकिस्तानी को, उन्होंने कहा जी कैसी लगी? उन्होंने कहा बहुत अच्छी थी आपकी किरात तो अल्लाह ताला ने बरकत दिया आपको। बस एक बात थी
कि जो आपको जरूरी बतानी थी कि कुएं में फेंक ही दिया था तो रुकू से पहले निकाल ही लेते यूसुफ को। पीछे हम रो रहे हैं कि यूसुफ कुएं में चला गया और तूने अल्लाह अकबर कर दिया। मैं कह रहा हूं ना, जिसने सीरा नहीं पढ़ी उसको कुरान पाक की समझ नहीं आ सकती कि कितनी जरूरत। यहां ही पे क्यों ये आयत, इस आयत में यही लफ्ज क्यों, यहीं पे क्यों? सो ऐसे मत करे, अफला याकिलून, क्यों नहीं सोचोगे?